तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर पर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर पर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर पर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सर पर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, सर पर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आम जनता की नहीं सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। सर पर तेरी तानाशाही नहीं, सर पर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, सर पर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। समस्या यहाँ पर सभी ग्रामवासी यहाँ पधारे हैं, धरातल पर विकास को लेकर भ्रष्टाचार हुआ है, आम जनता बहुत परेशान है। धरातल पर जो कार्य होना चाहिए था वो कार्य नहीं हुआ है। जो अभी जो एक यात्रा निकली विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत, उससे दो दिन पूर्व हमने कलेक्टर महोदय को, जिला उपखंड अधिकारी और विकास अधिकारी, यहाँ तक हमारी पकड़ थी, उन लोगों को ज्ञापन सौंपा है। और यहाँ पर धरातल पर जीरो लेवल का ही कार्य हुआ है। सरपंच अपने सरपंच और सरपंच के प्रतिनिधि मोहली मलु के तहत अपने चमचों उनके दलों का कार्य हुआ है। विकास और धरातल पर देखा जाए विकास हुआ है चमचों का, उनके भ्रष्टाचार का। और पिछले सरपंच के कार्यकाल में जो टांके बने हुए थे उन्हीं के ऊपर फर्जी फोटो लगाकर, फर्जी सीसी बनाकर, गोकुंड के पैसे हो, पशुओं के गोकुंड के हो, आम जनता के जो शौचालय हो, विकसित जो विकसित भारत यात्रा के तहत हम लोगों ने यहाँ पर ग्राम पंचायत अतिड़ी नहीं, पिछले सरपंच के कार्यकाल के फर्जी फोटो लगाए गए। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हम लोगों ने सोचा हम भी उसी पार्टी के कार्यकर्ता है, हम कुछ क्या नहीं कर सकते यहाँ की जनता के लिए। उस चीज को लेकर हमने थाना एक मोर्चा निकाला। तो धरातल पर कार्य होना चाहिए वो हुआ नहीं। पिछले एमएलए सरपंच भारत कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोगों ने छोटे मोटे काम दो मुद्दे बनाए तो बोले सरपंच बोलता है एमएलए हमारा, एमपी हमारा, विकास अधिकारी हमारा, कलेक्टर हमारी सुनेगा, आप कहां तक जाओगे। थाना हमारा हर चीज को धमकी दी गई, जो लोगों को उनके चमचों को टाके दे दिए। तो इस बार विधानसभा के चुनाव हुए तो लोगों ने सोचा सरपंच ने इस तरह से विकास के तौर पर कुछ जीरो लेवल का कार्य किया है, दो चीज होना चाहिए। उन लोगों को धमकाया गया, बोला कि तेरे को टांका दिया तो टांका दिया। आज हम किसी भी प्रकार की विकास के तौर पर हम मुद्दा उठाते हैं, यहाँ मैं ही नहीं, यहाँ रतड़ी की आम जन विकास के तौर पर मुद्दा उठाया है। और हम यही चाहते हैं, हम लोगों ने एक मोर्चा निकाला है विकास को लेकर, भ्रष्टाचार हुआ है। और यहाँ के मीडिया के अनुसार मैं मीडिया कर्मचारियों को चुनौती देना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचार की सरकार नहीं है, ये आम जनता को सुनने वाली सरकार है, ये कांग्रेस की भ्रष्टाचार की सरकार नहीं है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेताओं के अनुसार हम लोगों को चुनौती देना चाहते हैं, आम जनता की सुननी पड़ेगी, ये भ्रष्टाचार की सरकार नहीं है, आम जनता की सरकार है। ठीक है, क्या क्या यहाँ समस्या? मेरा नाम देवी सिंह सोडा है, रतड़ी गांव है। और आज से 3 दिन पहले ग्राम पंचायत ग्रुप में मुकेश कलानी द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई जिला कलेक्टर मोदी को और सीओ साहब को और विकास अधिकारी गड्ढा रोड को। इसमें ग्राम पंचायत के स्तर पे देखा जाए तो सबसे बड़ी और दुखद बात ये रही है हमारे वास्ते सेंगा में, बड़ी दुखद बात है साहब, गौकुंड जिको सबारे वास्ते चाहिए। माना 4 दिन पहले था आप साहब गौकुंड खा के, इन में 15-20 दिन पहला वहाँ ग्राम वास भेड़ा हुए पर वहाँ एक कुंड बनायो चंदो करे। ये हमारी बदकिस्मती यह रही कि ग्राम पंचायत रतड़ी होती हुई माना कुंड बनाना पड़े, क्योंकि पानी वास्ते खेड़ी होती, क्योंकि एक टंकी गाडेरी आती उम्र बाद में दो प्याऊ साहब रतड़ी में ना दो प्याऊ रतड़ी ग्राम पंचायत सेंक्शन उड़ा है और उनकी सीसी बनी हुई है 3-3 लाख री जुको इनका। कहीं पे भी निवासियों ग्राम वासियों सभा ने पूछो क्या बनेड़ो है के थे नहीं बनेड़ो है। ग्रेवल सड़क साहब बात करा तो 13 ग्रेवल सड़क है जिको काम लेबर चार्ज और कई लोग मेटेरियल उठा दी हुआ
और उन कार्यक्रम देखियो जाए कार्यकाल रे महीना तो जीरो है गिनती लेके भेला रहता है। और थाने एक मोटी बात बताना चाहूँ, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो बाथरूम शौचालय बनाना था रेवनी विलेज रतरीड ग्राम पंचायत रहा महीना छा सांसद वहाँ छह रो भी देखियो जावे तो एक ही बने हमें आप मानव रतरीड़ी ग्राम पंचायत के अंदर एक सार्वजनिक शौचालय है जो रतरीड़ी के आपने बताना चाहूँ 3 किलोमीटर आगे एक गांव है डाबड़ उठेरी ढाणी रो लेटरिन बाथरूम सेंक्शन है और वही लेटरिन बाथरूम में जो नाम होना चाहिए और मुंगिया सर माथे वो लिखे हुए जिमियत वाइफ ऑफ नसीरा जो ढाणी और बाथरूम रे महीना 3 किलोमीटर साफ छेटी वो पेमेंट एडा उठ है वो भी कई भी घोटाला है। और मीडिया के माध्यम कहना चाहूँ कि विकास अधिकारी और एक बात मारे दुखद बात है कि सरपंच मुसलमान ग्राम सेवक मुसलमान और जयन वो भी साहब मुसलमान जेटीओ भी मुसलमान जब साहब एक जाति रहा हुआ तो बीजी जात ना साहब कोई को पूछे नहीं। मारे रही बात सबसे बड़ी हाँ साहब मोटी बात बताऊँ आपना 2006 महीना जालम सिंह जी टाइम मेघवाला वास की नाम है साईं थोर मानना सुमार है सुमार कितना जना विकलांग है थोर चार चार अच्छा की सरपंच की व्यवस्था करे बाथरूम वगैरह कहीं को करी कहीं तो बाथरूम वॉशरूम वगैरह कहीं को कहीं को करी बात करी है कि भाई मार सड़क के बाथरूम की गए कहीं बने ना सब असा कहीं को बने हां वोट दे मैं दे वोट दे तड़ी रहा गाड़ी जाड़ी अच्छा चली टूटा ना होता सरकार की मांगे थोड़े कई मांगो है हमें तीखी चाहो मार चैनल में की मांगो है के की चीज जरूरत है उधर लाइट पानी बाथरूम बाथरूम तुम की चीज रोड जरूरत है पानी जरूरत है ओ बताओ चीज पानी बड़ी सुनी है हां बड़ी सुनी पानी की है पानी है कौन लाइट है कौन लाइट आया को नहीं रास्ता है को नहीं रास्ता है को नहीं बड़ी सुनी पे पानी नहीं गया तू भी उठाए तो खराब होती हो पचाए वाला ठाऊं अस अभी ठाऊं से नहीं समझा मैं तो कभी बड़ा है बा हां आई प्लेटम गणित समझा नहीं हां आया को नहीं कहीं सभी तो कोई ऐसा नहीं